नमस्कार दोस्तों, मॉम एंड श्राव्या चैनल में आपका स्वागत है। मॉम एंड श्राव्या चैनल का ये हमारा दूसरा ब्लॉग है और सुबह हो चुकी है। मैंने सुबह का अपना वर्क कर लिया है, लाइक नहाना, और मैं अभी पूजा कर रही हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि धान की खेती किस तरह की जाती है हमारे घर पर। तो आज का मेन दृश्य जो है आपका यही रहेगा। तो पूजा करने के बाद मैं जल्दी जल्दी अपना खाना और नाश्ता बनाना शुरू करूंगी ताकि श्रव्या के जागने से पहले ये सब काम कंप्लीट कर सकूं। सावन का महीना भी चल रहा है। ये हमारे भोलेनाथ जी हैं और बगान में कुछ कुछ पौधे लगाए हैं, जैसे मिर्च। ये यहाँ पे मिर्च फली हुई है, तो बगान में अगर कुछ फलता है तो देख के अच्छा लगता है। फल हो गया, और यहाँ पर हमने फूल भी बहुत सारा लगाया है। ये अपराजिता का फूल है। तो श्रव्या सोई हुई है, मैं अपने बेसिक वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर वो उठेगी तो उसे कुछ ना कुछ नया काम करना ही रहता है। तो श्रव्या रानी उठ गई है और वो चाहती है कि ट्रैक्टर चलाने की ज़िद कर रही है। तो पापा उसको बैठा दिए हैं ट्रैक्टर पे उसके। अब देखते हैं श्रव्या खेत जा पाती है या नहीं जा पाती, या ट्रैक्टर चलाना है उसको। तो मैं अपना वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम जल्दी जल्दी अपने खेत की ओर चलेंगे धान की खेती करने। श्रव्या रानी को तो बस ट्रैक्टर ही चलाना है। चलाओ बेटा चलाओ। तो हम खेत की ओर जा रहे हैं। श्रव्या सो चुकी है, अपनी दादी के साथ है। तो हम खेत थोड़ा जो है हमारा दूर है, और ये जो है गांव के घर है। गांव में कच्चे खपड़ा वाले घर होते हैं। वैसे तो अभी गवर्नमेंट बहुत सुविधा दे चुकी है, पीएम मोदी आवास, तो पक्के मकान भी बन रहे हैं। थोड़ा सा दूर है हमारा घर, ये पुराना घर है किसी का, जो यहाँ कोई नहीं रहता। गाँव में ऐसे हरे भरे आपको दिखाई देंगे। ये किसी और का खेत है जो मैंने खड़ा होकर इसे शूट कर लिया, अच्छा लगा मुझे ये देख करके। तो बस पहुंचने वाले हैं हम अपने खेत, अपने गांव के खेत में। अब जा रहे हैं हम खेती कराने और रोपा लगाने। तो आप चलिए हमारे साथ रोपा लगाने। चलो मेरे पीछे भी एक बार गाइस, ये खेत है और हम जा रहे हैं अपने खेतों पे रोपा लगाने। ये मैंने तो झूला तैयार कर लिया है खाने पीने का, अभी मैं आपको रोपा लगा के दिखाऊंगी। अच्छा, एक एक पौधा अलग अलग दोनों पौधा। अभी तक मैंने इतना उखाड़ा है। धोए लिया भैया। अच्छा कैसे उखाड़ रहे, दिखाओ तो। गैस मैंने इतना वर्क कर लिया है और अभी बहुत बच्चों करना है। बच्चे स्कूल जाती हो?
दिक्कत है ना बढ़ गया निकालना का, क्योंकि थोड़ा जड़ भी बड़ा हो गया ना। देख फिर ऐसे बांधते हैं। अच्छा बांधते भी हैं? हाँ। इसका पहले मिट्टी हटाओ। हो गई? हो गया। और क्या क्या बांधो? दो ठे पकड़ के उसमें धान में बांध दे। इसी का धान तो ये उग जाएगा तो का उल्टी फर्म है क्योंकि मैं बहु बोल हूँ। नहीं बता तू ये हमारा खेत और ये है खेतों में धान का पौधा तो सब मैंने नहीं इन्होंने किया। मैंने सिर्फ एक तो छोटा सा किया है कौन सा यही होगा यही एक छोटा सा जो मैंने किया है। तो हमारे यहाँ धान जो ऐसे ही उगाया जाता है वो है मेरी छोटी सी सासू माँ जो उम्र में छोटी है रिश्ते में बड़ी है। यहाँ पे हम उखाड़ेंगे और वहाँ जाके लगाएंगे। तो गैस ये मैंने धान लगाना सीख लिया है। आप भी कभी कभी धान लगा लिया करो। टारगेट इतना कंप्लीट करना। गाइस आप भी सीख लो धान कैसे उगाया जाता है फ्यूचर में कभी काम ही आएगा क्योंकि सब मशीन से होने वाला है। कभी मशीन बंद पड़ जाए तो खुद को करना पड़ेगा। फ्यूचर में आपको भी करना पड़ेगा तो इसी से मैं सीखने आ गई हूँ है ना। लो उनका भी टाइम मिल गए बोलिए ना। बहन के हाथ में तो एकदम फास्ट है मशीन लगे है। नहीं ना थोड़ा क्या बोलते हैं आदत हो गया एक्सपीरियंस नहीं। तो गैस मेरा जो वर्क था मैंने कर लिया है। अभी कुछ लोग बचे हैं जो कि अपना वर्क कर रहे हैं। मैंने धान को उखाड़ा और धान की फिर से रोपाई की तो नया एक्सपीरियंस मिला। फिर मिलेंगे आइए अब घर चलते हैं। घर में थोड़ा हाथ पैर धोएंगे। आइए आप ही कभी आप भी अपने खेतों में जाके देखिए कैसे रोपाया लगाया जाता है कितनी मेहनत होती है इस धान को उगाने में कि आपको अन्न का कीमत पता चल जाएगा। मेरी तो सांसें फूलने लग गई उखाड़ने और लगाने में। देखिए अभी सरगुजा में जो है पानी की कमी है। पानी की कमी के कारण कैसे ज़मीन में दरार पड़ गए हैं तो इस बार का सरगुजा का खेती थोड़ा डामाडोल लग रहा है क्योंकि बारिश हो ही नहीं है। होती है तो बहुत थोड़ा होता है और थोड़े बारिश में तो खेती होगी नहीं। तो ये आपको धरती ही दिखा देगी कि बारिश हो ही नहीं है। होना तो चाहिए अब देखो इस बार सब कुछ लेट हो रहा है क्या होता है। ये है खेतों का नज़ारा। हमारा कीट वो दूर में है वो। तो गाइस चलते चलते मेरा स्लीपर भी टूट गया है। चलो अब देखते हैं नंगे पैर जाना पड़ेगा घर। अच्छा तो दोस्तों हम मेन रोड में पहुंच चुके हैं। हम उतना दूर पार करके यहाँ आए हैं। अब हम जा रहे हैं घर। वहाँ कुछ बच्चियाँ लगा रही हैं अपने खेतों में रोपाई करी कि
जहाँ का कलर बड़ा बढ़िया दिख रहा है लाइट ग्रीन। गाइस जो वहाँ धुआं धुआं दिख रहा है ना, वो हमारा कच्चा का घर है, पुराना घर। वहाँ अभी हमारे बड़े पापा ससुर रहते हैं, हम लोग अभी वहाँ पे हैं, पर हम लोग अभी पक्के घर में रहते हैं। आओ हमारे कभी गांव घूमने आओ, ऐसा है हमारे गांव का नज़ारा। दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं, शाम हो चुकी है, मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, मेरे पति का फेवरेट है। और ये जो है मूली भाजी की सब्जी, मूली आलू की, मेरे ससुर जी का फेवरेट है। तो आज डिनर में ये खाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ डिनर प्रिपेयर हो गया है, अब माँ पापा को मैं खाने के लिए बैठाऊँगी। रात का 8 बज रहा है, श्रव्या खाना खा के सो चुकी है। और आज का ब्लॉग हमारा जो था, धान का खेती कैसे किया जाता है, ये था। तो आप बताइएगा कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग। और हमारे चैनल मॉम एंड श्रव्या चैनल को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और कमेंट में बताइएगा दोस्तों आप लोगों को हमारा गांव कैसा लगा, और आगे आप और क्या देखना चाहते हैं गांव के बारे में, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ मॉम एंड श्रव्या चैनल। थैंक यू, बाय बाय।